एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो एक बेस्ट फ्रेंड है जिसकी प्रिटी मच हर स्किन केयर इंग्रेडिएंट के साथ दोस्ती है और जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि किसी ना किसी के स्किन केयर रूटीन में तो ये 100 परसेंट फिट होता है और ये है नायासिनमाइड नायासिनमाइड इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स और आज मैं आपको देना चाहती हूँ नायासिनमाइड के अलग अलग ऑप्शन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन किसको यूज करनी है किसके स्किन टाइप के लिए कौन सा नया सिनेमाइट सही है और जस्ट बिकॉज एक नया सिनेमाइट सेरम आपके पास है जरूरी नहीं कि आप इसे रोजाना लगा सकते हैं इन सारी डिटेल्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे ट्रेंडिंग इन्ग्रीडियंट आज बहुत बहुत जो आजकल हर स्किन केयर प्रोडक्ट में मिलता है वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल लाइक सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय साइंस डेली स्किन केयर कॉन्टेंट क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई सिंगल डे मुझसे बात करना चाहते हो क्लोज कम्युनिटी या वन ऑन वन चैनल मेंबरशिप्स ऑप्शंस हैं आपके पास और फेबर का गिव अवे चल रहा है तो वीडियो के दौरान जो क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन पे उसका जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में अब करते हैं वीडियो को शुरू अगर आप बिल्कुल अनश्योर हैं आपने आज तक कभी नया सिनेमाइट का नाम भी नहीं सुना लगाया भी नहीं आपको पता नहीं आपको सूट करेगा या नहीं तो सबसे माइल्ड सबसे जेंटल ऑप्शन जो आपके पास है नया सिनेमाइट यूज करने का वो है प्लम का नया सिनेमाइट टोनर इसमें आपको मिलता है थ्री परसेंट सिनेमाइट साथ ही आपको मिलता है राइस वाटर इस टोनर को अगर तो ये आपको सूट करता है एज अ सेंसिटिव स्किन पर्सन इसे आप रोज लगा सकते हैं सुबह शाम लगा सकते हैं इट इज वेरी वेरी जेंटल एंड हाइड्रेटिंग ये था आपका ऑप्शन नंबर वन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है जल्दी से इरिटेट नहीं होती और आप नया सिनेमाइट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इन बिफिडा फोर्मेंट जो एक स्किन के लिए प्रोबायोटिक का काम करता है वेरी लाइट वेरी जेंटल फॉर्मूला इट इज एप्सल्यूटली ब्यूटिफुलसेंट नया सिनेमाइट आपको प्लम में भी मिलता है अगेन जेंटल एंड ब्यूटिफुल एक और नया सिनेमाइट सेरम है फाइव परसेंट कॉन्सेंट्रेशन में जो है फॉक्सटेल का यह मेरा रिसेंट पर लाइक मैट फिनिश है ब्यूटिफुल ऑन द स्किन एक डाउन साइड है कि इसमें फ्रेग्रेंस है तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से परेशानी है देन दिस वन इज नॉट फॉर यू अदरवाइज फाइव परसेंट नया सिनेमाइट के हैं बहुत सारे ऑप्शन जिसे आप यूज कर सकते हैं नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग

एंड हो सकता है नाया सिनेमाइट आपने एक दो महीने यूज किया फाइव परसेंट कॉन्सेंट्रेशन पे और आप चाहते हैं मूव अप करना टू द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट नया मुझे तो आप जानते हैं फॉर्मूला अमेजिंग है ये एक ऐसा नाया सिनेमाइट है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है बट इट इज ब्यूटिफुल एंड हाइड्रेटिंग एक डाउन साइड नंबर स फ्रेग्रेंस नहीं पसंद तो आपको ये नहीं पसंद आएगा नंबर टू ये थोड़ा थिक है सो so अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है देन दिस इज नॉट फॉर यू बट ड्राई स्किन वालों के लिए ये फैबुलस है जब मैंने को इनिशियली यूज करना शुरू किया था बैक इन 2022 और रात के रूटीन में मैं सिर्फ नया सिनेमाइट एंड मॉइस्चराइजर लगा के सोती थी नेक्स्ट वेरी डे आई फाउंड माई स्किन वॉज ग्लोइंग एंड इट वॉज सॉफ्ट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नाया सिनेमाइट इन द मार्केट एंड लाइक आई सेड ये पूरी वीडियो मेरी सारी वीडियोस नॉन स्पॉन्सर होती हैं। बट जितना मैंने इसको प्रमोट किया है अभी तक तो मेरे पास लारोश पोजे में शेयर्स होने चाहिए थे

10% इनफ है, पर हमारे पास नायसिनमाइड है, 12% में भी, 20% में भी, किसको लगाना चाहिए? ये 12 और 20% नायसिनमाइड ब्रांड्स ने बनाया क्यों हैं? There has to be a reason, right? अगर 5% इनफ है, then why do you have a 12%? अगर आपके लार्ज ओपन पोर्स बहुत लार्ज हैं, and I say और ये जब लार्ज ओपन पोर्स की बात होती है ना एंड आई टेल दिस टू ऑल क्लाइंट्स आप बिल्कुल इन करके मुझे फोटो भेजोगे तो किसी के भी पोर्स लार्ज ही दिखेंगे बिकॉज आजकल इतने अच्छे हो गए हैं बट वेन आई से लार्ज ओपन पोर्स एंड आई आई मीन जो नेकेड से नजर आए यानी आप शीशे में देख रहे हो आपको दिख रहे हैं पोर्स आपको मैग्निफाइंग यूज नहीं करना पड़ रहा आपको शीशे के अंदर घुस के खुद को देखना नहीं पड़ रहा आपको नेकेड आई विदउट डीसेंट डिस्टेंस आपको आपका टेक्चर दिख रहा है बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है एंड इस तरह के लार्ज ओपन पोर्स हमेशा उन्हें होते हैं जिनकी स्किन होती है एक्सेसिवली ऑयली अगर आपकी स्किन इससे एक्सेसिवली ऑयली है देन यू नीड अ ट्वेल्व परसेंट अगर आपको लार्ज ओपन पोर्स एंड टेक्सचर्स हैं एंड यहां मेरे पास दो ऑप्शन हैं इंडियन ब्रांड में ये है विश्वर का नायासिनेमाइट फेस सेरम दिस इज इस पे लिखा है एक्ने एंड एक्सेस ऑयल कंट्रोल बेसिकली दैट इज व्हाट इट डज एंड इफ यू आर लिविंग एन यब्रॉड यू कैन गो इन फॉर द न्यूरियम 12 परसेंट ना पर इस नाय के साथ एक बहुत चीज़ है जो आपको केयरफुल होना पड़ेगा और वो ये है कि आप सुबह शाम नहीं लगा सकते इरिटेशन होएगी दैट बी लाइक व्हाट हैज मी सो आप अगर ट्वेल्व परसेंट कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे हैं तो हफ्ते में एक दो फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बिल्ड करके रात के रूटीन में लगाएं इस तरह के नया सिनेमाइट को आइडियली आप अकेले लगाएंगे इस तरह के नायसिनमाइड के साथ एजलिक एसिड अल्फा और बुटीन रेटनॉल की लेयरिंग मत करना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दैट इज नंबर वन नंबर टू इस तरह के एजलिक इस तरह के नायसिनमाइड सैरम को यानी 12 परसेंट नायसिनमाइड सैरम को पहले हफ्ते में एक बार लगाएं दो दिन का गैप दें फिर दूसरी बार लगाएं फिर दो दिन का गैप दें तीसरी बार लगाएं हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ भले वो नया सिनेमाइड हो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अदरवाइज आपकी स्किन पे पीलिंग इरिटेशन ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी एंड इट इज रियली Really not worth it. So इस तरह के नया सिनेमाइट के साथ आपको होना पड़ता है ऐसा टेक्स्र जो बहुत डिस्टेंस से भी नजर आता है मोस्ट लोग अपने पोर्ट्स को लेके इतने इनसे इसलिए होते हैं क्योंकि हम कैमरा फ्लिप करते हैं जूम करते हैं अगर आपके पास आईफोन है सैमसंग का कोई भी हाई एंड कैमरा है आप फिर फोटोग्राफ लेते हो ऑब्वियसली आपके पोर्स ज्यादा दिखेंगे मतलब आईफोन पे जब मैं लाइट में इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी हैं जो मैं डालती हूँ एकदम बेयर स्किन के साथ जिसमें एक एक बाल नजर आता है iPhone, ये जो नया वाला है दिस इज लाइक क्रेजी रेजोल्यूशन इसमें आपको एक एक बाल नजर आता है एंड मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करी हैं मैंने इस तरह की बहुत सारी फोटोग्राफ्स पोस्ट किए हैं जहां मैंने पोर्स एक्ने एक्ने मार्क्स सब दिखाया है बिकॉज आई बिलीव इन शोइंग व्हाट रियली इट इज़ जब मुझे बहुत बुरा एक्ने होता है मैं तो पोस्ट कर देती हूं जब मेरी स्किन बहुत अमेजिंग होती है मैं वो भी पोस्ट कर देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दैट दिस इज नॉर्मल राइट सो आप अपने एक्स्ट्रा जूम करके अपने चेहरे को इस तरह से प्लीज डोंट पुट योर सेल्फ अंडी प्रेशर अदरवाइज तो यू विल ऑलवेज फील यू हैव ओपन पोर्स ओपन पोर्स आपके पोर्स दिख रहे हैं कैमरा के अंदर जूम करके खुद को देखोगे तो सौ बुराइयां नजर आएगी सो नेवर डू दैट पर अगर आपको एक्सेसिवली स्किन है अगर आपकी स्किन पे एक्सेसिवर है जिसने मेरी स्किन बैरियर की तो बैंड बजा दी थी इसको मैंने कितना ट्राई किया है लास्ट ईयर ट्वेंटी भी एक जगह है और ये उन लोगों के लिए है जिन पहली चीज ये नाया सिनेमाइट सेरम ट्रीटमेंट है ये एक कोर ट्रीटमेंट है जब आप इसको लगाते हैं तो आप उस दिन ना रेटनॉल लगाएंगे ना ए एच लगाएंगे ना बी लगाएंगे यू हैव टू यूज दिस इसको आप ऐसे कंसिडर करें कि ये पीलिंग सोल्यूशन है ट्रीट इट लाइक दैट क्योंकि ये उस उस लेवल का स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है क्योंकि इसे मैंने इंडिविजुअली लगाया फिर एक दूसरे दिन लगाया फिर जब मैंने इसकी लेयरिंग करी रेटनॉल के साथ आई डैमेज माई स्किन बैरियर इन अ वे यू के नॉट इमेजिन इस पूरे प्रोडक्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है ट्वेंटी परसेंट नाइस माइट अगर मेरा नाम डाल के सर्च करोगे आपको मिल जाएगी वो वीडियो बट द पॉइंट हियर इज ये उनके लिए है जिनकी स्किन दो सेकंड में ऑयल प्रोड्यूस करती है एंड आई नो ऐसे लोग हैं जिनके अपना स्किन केयर किया मेकअप किया या मेकअप नहीं भी किया या आप सुबह उठते हो आपको लगता है आपके चेहरे पर ऑयल है इसे हम कहते हैं एक्सेसिव ऑयली स्किन और एक्सेसिव ऑयली स्किन उन्हें भी होता है स्पेशली लेडीज को जो सफर करती हैं विद पी एंड पी सी उसमें भी बिकॉज

मल्टीपल टाइम दो बार से ज्यादा मत लगाना एंड अगेन डोंट यूज एनी एक्टिव अब देखिए हर इंसान की स्किन की टॉलरेंस अलग होती है दिस इज समय बट मैं आपको सबसे सेफ ऑप्शन बता रही हूँ इसे यूज करने का और मैं साथ ही साथ ये भी बता रही हूँ कि किसे इसे यूज करना है तो अगर आपकी स्किन दो सेकंड में ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी स्किन से इतना ऑयल निकल आता है जिसमें पकौड़े तल सकते हैं

और हर कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है हर कॉन्सेंट्रेशन सही है इफ़ इट इज यूज बाय द पर्सन हु नीड्स इट जैसे मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई कभी कभी ऑयली हो जाती है मैं 20 परसेंट के साथ क्या कर लूंगी बट मेरे स्किन के लिए 10 परसेंट इज आइडियल लारोश को से मुझे सूट करता है मैं इसे लगातार रिपर्चेज करती हूँ एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो अनदर प्रोडक्ट जो इतना वायरल हुआ था इतना वायरल हुआ था कि मैं क्या बताऊँ और वो है ये ग्लो रेसिपी वाटरमेलन ड्यू ड्रॉप्स अब ये मुझे बहुत पसंद है मैं इसको हर टाइम खरीद लेती हूँ और खत्म भी कर देती हूँ मतलब साल में दो बार तो मैं खरीद लेती हूँ कभी मॉइस्चराइजर के अंदर मिला लिया कभी ऐसे ही लगा लिया मुझे ना इसका होना मेरे स्किन केयर कलेक्शन में अच्छा लगता है पर अगर इसकी बात करें तो ये नया सिनेमाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन इस प्रोडक्ट में है एक दो परसेंट से ज्यादा नहीं है सो so, आइडियल है ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स राइट बिकॉज ये सबको सूट करेगा बट ये प्रोडक्ट आपके स्किन के कोर स्किन इश्यूज को सॉल्व नहीं करेगा इट के नॉट गिव यू ब्राइटनेस इट के नॉट हेल्प योर लार्ज ओपन पोर्स ये टेक्स्चर नहीं इम्प्रूव कर सकता क्योंकि टेक्स्चर ऑयल कंट्रोल लार्ज ओपन पोर्स के लिए आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज करना पड़ता है बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है अगर आपको फ्रेग्रेंस से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको पैसे खर्च करने हैं देन दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू हैव वर्क बेटर एज अ मेकअप प्राइमर लेस एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट इनफैक्ट अब ग्लो रेसिपी अपने ग्लोबल वेबसाइट पर भी इसे मेकअप प्राइमा कैटेगरी में ही डालती है नॉट सो मच एज अयर इन्ग्रीडियंट तो ये था मेरा क्विक राउंड अप ऑन द टॉप टेन नायामाइज सेवरीबडी किसको क्या यूज करना चाहिए आई होप इट इज क्लियर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विलो विदीडियो देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज बाय